नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदुस्तान ग्रामीण न्यूज चैनल में, जहां मैं प्रभाकर हरदोई से एक बड़ी खबर लेकर बता दें क्या खबर। हरदोई जिले से आज आवारा पशुओं के निवारण के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश चंद्र वर्मा व जिला उपाध्यक्ष सतीश कुमार रावत, कढ़िले प्रसाद रावत व भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी दिनेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में हजारों लोगों को लेकर लखनऊ में हुआ धरना प्रदर्शन, जिससे आयुक्त विभाग ने बताया कि जल्द से जल्द करवाया जाएगा गौशाला का निर्माण और आवारा पशुओं से किसानों को मिलेगा छुटकारा। अंकित कुमार के साथ दिनेश कुमार की रिपोर्ट। हिंदुस्तान ग्रामीण न्यूज चैनल, सच्ची और सही खबरें सबसे पहले पाने के लिए देखते रहिए अपने क्षेत्र का बढ़ता हुआ चैनल HGN न्यूज, ग्रामीणों की आवाज। का मूल्य निर्धारण न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर होना चाहिए। उसपे सारी उपजे जो है, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे आम हो, फल भी है उसमें, फलों का भी खरीद हो, और उस खरीद से केवल कानून बना दे। और उसमें केवल मेरा ये कहना है कि उससे कम रेट पे अगर कोई आदमी खरीदेगा, चाहे व्यापारी हो, चाहे दलाल हो, चाहे तो इसका कानून बना दे, उसको आपराधिक मुकदमे की बना दे। अगर सरकार भी चाहे कोई बनिया खरीदे, कोई लाला खरीदे, कोई भी खरीदे, वो भी 1880 से नीचे ना खरीदे। जैसे पंजाब में हो रहा कि आप 1880 में खरीद के सरकारी उस पे ले जाइए तो उन्हें 2% 1% कमीशन मिलेगी, और वो बिक रहा 1200 रुपये। उनके सेंटर खुलते हैं, उन सेंटरों पे ये निश्चित किया जाए किसानों का 100% धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे बाजरा हो, चाहे मक्का हो, चाहे जितनी भी दलहन हो, चाहे तिलहन हो, इसकी खरीद हो। और खरीद तभी हो पाए तय करें कि फलाने के लिए कितना गेहूं बोया। अभी रामपुर का देखा गया, रामपुर में जयाप्रदा के नाम से पता नहीं कितने का भी आंकड़ा आया है, सही रिपोर्ट आ जाए तो उसका नाम उभरना करूं। तो जयाप्रदा का मकान जहां उनके लोगों की कॉलोनी बस गई है, और उन्होंने लाखों कई लाख रुपया का गेहूं उनके नाम से खतौनी थी, जमीन बिक गई, प्लाटा से गेहूं जैसे वहां घर बने हैं, और वो कई लाख के गेहूं और सेंटर पर खरीदेंगे तो उनका थोड़ी वो व्यापारी है। उन्होंने 1200 रुपये धान खरीदा और 18